फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें करंट अफेयर्स के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा NFR, जिसे अपन NFR बोलते हैं, के द्वारा घोषणा की गई घोषणा के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये इसका ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो अपन देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है इसका बी, मणिपुर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा बताया गया है कि मणिपुर में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र के अनुसार मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। यह पुल मणिपुर की आयरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी कि मणिपुर में कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, आयरिंग नदी पर। इसके साथ में ये कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के बाद भारत ने हाल ही ने किस देश को हाल ही में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा की घोषणा की गई है? ब्राजील को, मैक्सिको को, आयरलैंड को या दक्षिणी कोरिया को? तो जापान के बाद भारत ने किस देश में हाल ही में वीजा की ऑनलाइन की घोषणा की है? इसका आंसर होगा दक्षिणी कोरिया। डी इसका सही आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं, जापान के बाद भारत ने दक्षिणी कोरिया को हाल ही में वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा को घोषणा की गई है। इस कदम से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मतलब ये जो पर्यटन मंत्रालय है, इसके द्वारा इसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट ने एक दिन में 1,007 फ्लाइट्स के अराइवल एंड डिपार्चर को संभाल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, पालम हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है। तो इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक दिन में 1,007 फ्लाइट्स के अराइवल और डिपार्चर को संभाल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसी से रिलेटेड है कि अभी एक स्टेट है, उसमें चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं ना कि वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे चार एक साथ चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब अपने नाम किया है? ये अपन ने कल डिस्कस किया था, मानुषी छिल्लर, वेनेसा पॉन्स डी लियोन, कदिच रोबिन्सम, निकोलेन निल्स। इन चारों में से कौन सा है? तो वो आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था। इसका आंसर होगा बी, वेनेसा पॉन्स डी लियोन। ये थोड़ा आंसर गलत हो गया, इसमें आंसर यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे बी है, ये बी है। इसका आंसर होगा वेनेसा पॉन्स डी लियोन। वेनेसा पॉन्स डी लियोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। उन्हें पिछले वर्ष की विजेता मानुषी छिल्लर ने खिताब जीता है, जो कि अपने इंडिया में पिछले वर्ष जो थी 2017 मिस वर्ल्ड रही है, मानुषी जो उसने दिया था। अब ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मिस वर्ल्ड 2018 की जो वेनेसा डी री, वो कौन से देश से रही, कौन से देश की। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सुंदरी किस देश की नागरिक है? वेनेजुला, पेरू, अर्जेंटीना या मैक्सिको? तो अपन को ये बताना है कि इन चारों में से कौन से देश की वो राज थी। इसका आंसर होगा डी, मैक्सिको। मैक्सिको की वेनेसा पॉन्स डी लियोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब जीता है। वेनेसा पहली मैक्सिको महिला प्रतियोगिता मैक्सिको की पहली प्रतियोगिता है जिन्होंने ये खिताब जीता है। मतलब वो पहली महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है मैक्सिको की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या वार्षिक 1.35 मिलियन हो गई है, जबकि यह आंकड़ा प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है? अब ये आपकी रिपोर्ट किसने जारी करी थी ये पूछ रहा है। ये विश्व बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र ने? तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप सबको पता होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ही ऐसी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका आंसर सही आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि बी वाला। स्वास्थ्य संगठन ने सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2018 की जारी की। इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इससे ये क्वेश्चन याद होता है कि रिपोर्ट किसने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन।
संयुक्त राज्य यूएन महासभा द्वारा 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जारी करने के उपलक्ष्य में किस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मतलब जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर आप सभी को पता है, इसका आंसर होगा 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 यानी कि 1948 को संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया था। अब आपका काम यह है कि इसमें आप डिस्क्रिप्शन में टाइप करके बताएंगे नीचे कमेंट में कि इसका थीम क्या थी 2018 की और 17 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना और किस देश के वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास XEVA इंदिरा 2018 राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ? नेपाल, सॉरी रूस, नेपाल, चीन या जापान? जो एक्सरसाइज है XEVA इंदिरा 2018 राजस्थान के किस जोधपुर में किसके साथ जो आयोजित की गई, रूस के साथ, जापान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ? तो इसका आंसर होगा रूस के साथ। भारतीय वायुसेना और रूसी वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत के जोधपुर में 10 से 22 दिसंबर के बीच किया जा रहा है, मतलब ये करंटली रनिंग में है वहाँ पे जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा हाल ही में फेसबुक पर 10 मिलियन यूरो मतलब ऑलमोस्ट 81 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? जापान ने, नेपाल ने, चीन ने या इटली ने? किसने अपनी फेसबुक पे 10 मिलियन का जुर्माना लगाया? तो उसका आंसर होगा इटली ने, जो कि डी है। इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, इटली द्वारा हाल ही में फेसबुक पर 10 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना फेसबुक पर बिना आज्ञा यूजर्स की डाटा को बेचने के कारण लगाया गया है, जो कि अभी ये पहले से कंट्रोवर्सी रहा था। आपने पहले देखा होगा कि फेसबुक पे ऑलरेडी डेटा जो चुराने का वो लगाया गया था ब्लेम, तो उसी से रिलेटेड ये एक और वापस आ गया है। इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिलेड में गए ऑस्ट्रेलिया के कितने रनों से हराकर भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज शुरुआती मैच में जीत लिया? ये पहली बार हुआ है 71 ईयर्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो आप देख लेते हैं, कितने रन जीते थे, 31 35 या 40 या 50? इसका आंसर होगा 31 रन से। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराकर भारत ने इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैच में जीत लिया है, वरना जनरली हम लोग हारते आए थे, इस बार विराट कोहली की कप्तानी की वजह से हम लोग जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 9 दिसंबर 2018 को कन्नूर में राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ये अभी जो मैं आपसे पूछ ही रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, पंजाब में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा वो होगा केरल में, जो कि बी आंसर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अभी मतलब चौथा एक साथ चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही जगह होना ये बहुत अलग बात है। इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने वार्षिक वस्तु एवं सेवा कर GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2019, 25 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 या 31 दिसंबर 2018? तो इसका सही आंसर होगा 31 मार्च 2019, GST की रिटर्न डेट आपकी बढ़ गई है। सरकार ने वार्षिक वस्तु एवं सेवा कर GST रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है। इससे पहले ये रिटर्न की दाखिला 31 दिसंबर 2018 थी, जो कि अब बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन का आंसर इसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्टेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और अगर आपको ये वैसे आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और जरूर करें, इसमें कमेंट करके बताएं जो भी हमने क्वेश्चंस पूछे थे, और इसे सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको जल्दी जल्दी से वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।